गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर। तो मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, जो कि बेसिक होता है नेचर में। सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम इवन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कुछ मेटल्स होती हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम हुआ, वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाती हैं। सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल। जो सोडियम होती है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। सो इट इज़ स्टोर्ड अंडर केरोसिन, इसीलिए इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज़ ड्रॉप्ड इन वाटर इट स्टार्ट फ्लोटिंग विद अ हिशिंग साउंड एंड सून द सोडियम पीसेस कैचेस फायर। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा सा टुकड़ा भी अगर सोडियम का वाटर में गिर जाता है तो वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। क्या, हिशिंग साउंड, मतलब जैसे हम आग वगैरह लगाते हैंगे तो वो साउंड आता है, तो उसके साथ लगने, जैसे क्रैकर वगैरह हम फोड़ते हैं तो उसमें जो साउंड आता है उस साउंड से साउंड आने लगता है और सोडियम जो पीस है उसमें जल्दी से आग लग जाती है। इन दिस रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ फॉर्म्ड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीज इन दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट भी निकलती है। अब हम देखेंगे इसकी रिएक्शन कैसी होती है। तो Na मतलब सोडियम प्लस H2O कन्वर्ट्स टू NaOH प्लस H2। ठीक है, तो सोडियम को जब भी हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है और हाइड्रोजन मिलता है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि NaOH और H2, यहाँ H2 और 1,3 हैं लेकिन यहाँ कितने हैं, सिर्फ 2। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2, जबकि यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो देखो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो हाइड्रोजन 2 और 2 4, ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, लेकिन जो सोडियम है वो अभी भी क्या है, बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। फिर आता है कैल्शियम रिएक्ट्स स्लोली विद कोल्ड वाटर। ठीक है, अब जो कैल्शियम होता है वो थोड़ा कम धीरे धीरे रिएक्ट करता है ठंडे पानी से, तो हम देखेंगे कैल्शियम को जब हम पानी में डालते हैं कोल्ड वाटर H2O में तो क्या बन जाता है, CaOH2। सो इसको क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ हम कैल्शियम लेंगे और वाटर, यहाँ देखेंगे हम हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 लगा देंगे आगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हार्डली रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, बहुत मुश्किल से जो मैग्नीशियम होती है वो वाटर कोल्ड वाटर मतलब ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती है। इट रिएक्ट्स फास्टर विद हॉट वाटर एंड विगरेसली विद स्टीम। ठीक है, तो ये आज बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से हॉट वाटर के साथ और बहुत ज़्यादा आसानी से भाप के साथ रिएक्ट कर जाती है। तो मैग्नीशियम लेंगे हम हॉट वाटर के साथ और एक बार स्टीम के साथ। तो मैग्नीशियम जब भी गर्म पानी के साथ ली जाती है तो मैग्नीशियम प्लस H2O कन्वर्ट्स टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम MaOH2 भी बोलते हैं, MgOH2 भी बोलते हैं, और हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 और 2 4 हो गए, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे हम, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा और इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद मैग्नीशियम और स्टीम, तो मैग्नीशियम प्लस H2O क्या बनाता है, MgO, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। इसके बाद आता है मेटल एल्यूमिनियम जिंक और आयरन, ये जो होती हैं वो ठंडे पानी और गर्म पानी के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करती। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। ठीक है, ना ये ठंडे पानी से ना ही गर्म पानी से के साथ रिएक्ट करती, दे रिएक्ट विद स्टीम बट द रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। ये सिर्फ भाप के साथ रिएक्ट करती हैं लेकिन जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो देखेंगे हम एल्यूमिनियम को जब भी हम स्टीम के साथ मिला H2O को स्टीम के फॉर्म में लेंगे तो क्या बनाता है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसके बाद जिंक,
तो जिंक जब भी स्टीम के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। और आयरन जब भी रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। फिर आता है नॉन मेटल के साथ कैसा रिएक्शन होता है वाटर का, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, हाउएवर क्लोरीन डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं कराती हैं, नहीं करती हैं, बस क्लोरीन है जो डिजोल्व हो जाती है पानी में और एक एसिडिक सॉल्यूशन बना लेती है। व्हेन दिस सॉल्यूशन इज हीटेड और प्लेस्ड इन सनलाइट, ठीक है, जब भी हम इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, या तो गर्म करते हैं या फिर सनलाइट में रख देते हैं, तो ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो ऑक्सीजन उसमें से क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है, मतलब निकल जाती है, और उसमें सिर्फ क्या बचता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम देखेंगे जब भी हम क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं सनलाइट या फिर हीट में प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन बनता है। ऑल्सो वैन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक दैट इज कार्बन, अ गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज फॉर्म। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, भाप को पास करते हैं गर्म, जो बहुत ज़्यादा गर्म कोक होता है उसमें, तो एक गैसियस मिक्सचर मिलता है हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस, और इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस। इट हैज़ मैनी इंडस्ट्रियल यूजेज, और इसके बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूजेज होते हैं। तो हम देखेंगे कार्बन जो कि रेड हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसको हम जब स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो और इसको दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, हम वाटर गैस। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद एसिड्स, क्या है रिएक्शन विद एसिड्स। तो मेटल्स का देखेंगे सबसे पहले हम, तो मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स फॉर्म सॉल्ट्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब भी मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो उसमें एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखेंगे हम इसके एग्जांपल, जब भी हम सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है जो कि एक सॉल्ट के फॉर्म में रहता है और हाइड्रोजन बन जाता है। ठीक है, इसके बाद मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को हम देखेंगे कि मैग्नीशियम को जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट जिसको हम MgSO4 बोलते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। फिर जब हम आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, फ्यूरियस क्लोराइड जिसको FeCl2 बोलते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इसके बाद आता है नॉन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल के साथ इसका रिएक्शन कैसे होता है, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, बट सल्फर रिएक्ट विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। लेकिन जो सल्फर रहती है वो रिएक्ट करती है बहुत ज़्यादा गर्म कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रेट एसिड के साथ टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनाने के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने के लिए और वाटर मतलब पानी बनाने के लिए। जब भी हम सल्फर को HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड S2O और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 और H2O मतलब पानी। अब इसके बाद आता है रिएक्शन विद बेसिस, बेसिस के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, तो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, मेटल का देखेंगे सबसे पहले हम फिर नॉन मेटल का, तो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो एल्यूमिनियम और जिंक होती हैं वो बहुत ज़्यादा वो रिएक्ट करती हैं किससे, बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस से, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ। दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन एज इज लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन, उनसे क्या बनता है, जैसे ये बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। While copper, silver and gold do not react with bases, जबकि जो copper, silver और gold रहती हैं वो acid के sorry base के साथ react नहीं करती हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ aluminium को जब हम sodium hydroxide के साथ react कराते हैं तो क्या बन जाता है, sodium aluminate जिसको हम Na3AlO3 बोलते हैं और hydrogen gas release होती है। अब zinc को जब हम sodium hydroxide के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट जिसको Na2ZnO2 बोलते हैं हम
और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं, तो द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्या नॉन मेटल्स का रिएक्ट कराना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जहाँ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर लेता है, मतलब जगह ले लेता है लेस रिएक्टिव मेटल की या एलिमेंट की, तो एक कंपाउंड बनता है उसका अपना कंपाउंड बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मेटल के साथ देखेंगे ये कैसे होता है, फिर हम नॉन मेटल्स के साथ देखेंगे। तो मेटल्स के साथ क्या होता है? डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन सीरीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें अलग अलग मेटल्स जो हैं अलग अलग रिएक्टिविटी दिखाती हैं, और उसी के हिसाब से हम उनको अरेंज करते हैं लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव के हिसाब से, जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज में। इन दिस सीरीज पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल वाइल प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इस सीरीज में जो पोटेशियम होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जबकि प्लेटिनम होता है वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होता है। थस अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होती है वो डिस्प्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से। फॉर एग्जाम्पल जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि जो जिंक रहती है वो कॉपर को उसके कंपाउंड से क्या कर देती है? डिस्प्लेस कर देती है। इसकी हम रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले देख लेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। तो देखेंगे सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव लिखा होगा आप लोगों की बुक में। देखो पोटेशियम सबसे ऊपर रखा है, मतलब ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसको हम K से डिनोट करते हैं। फिर सोडियम आता है जिसको हम Na से करते हैं, फिर कैल्शियम जिसको हम Ca से, मैग्नीशियम जिसको हम Mg से, एल्यूमिनियम जिसको हम Al से डिनोट करते हैं, कार्बन जिसको C से, जिंक को Zn से, आयरन को Fe से, टिन को Sn से, लेड को Pb से, हाइड्रोजन को H से, कॉपर को Cu से, सिल्वर को Ag से, गोल्ड को Au से और प्लेटिनम को Pt से। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो पोटेशियम होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है? सबसे ऊपर है। जबकि हमें पता है कि जो प्लेटिनम है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ये इस सीरीज़ में सबसे नीचे प्लेस किया गया है। अब हम देखेंगे कि जिंक और कॉपर को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, मतलब जिंक को जब भी हम कॉपर के कोई भी कंपाउंड से कराते हैं रिएक्ट, तो क्या होता है? तो जिंक प्लस CuSO4 जो कि क्या है? कॉपर सल्फेट। जब भी हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या हो जाता है? जो जिंक रहता है वो कॉपर को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। तो जो जिंक रहती है वो सल्फेट के साथ मिल जाती है और कॉपर अलग छूट जाता है। जैसे यहाँ दिया गया है जिंक, क्या देखो कॉपर सल्फेट से क्या बन गया? जिंक सल्फेट। और जो जिंक अलग था वो क्या हो गया? कॉपर, इसको अलग कर दिया कॉपर को। फिर इसके बाद सिमिलरली आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ऐसे ही आयरन जो होता है वो कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए वो भी उसके उस कंपाउंड में से उसको अलग कर देता है। जैसे यहाँ आयरन लिया हमने और CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो यहाँ क्या होगा? ये कॉपर जो रहेगी वो हट जाए, डिस्प्लेस हो जाएगी किससे? आयरन से। तो यहाँ क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट, FeSO4 और कॉपर हमें अलग मिल जाएगा। अब हम देखेंगे एक एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम क्या देखना है, एम क्या है इसका? टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स। हमें अलग अलग मेटल्स की क्या देखनी है? रिएक्टिविटी देखनी है। तो हम उसको कैसे चेक करेंगे? तो मटेरियल रिक्वायर्ड के लिए हमें 6 बीकर लेने हैं, वाटर लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है, आयरन सल्फेट लेना है, जिंक सल्फेट लेना है, जिंक ग्रेन्यूल्स लेना है, कॉपर नेल्स लेना है और कॉपर टर्निंग लेना है। ठीक है, अब इसकी क्या प्रोसीजर रहेगी सबसे पहले वो देखेंगे हम। तो मार्क द बीकर्स एज 1, A, B, C, D, E and F। हमें बीकर को मार्क करना है A, B, C, D, E और F में। फिर पोर वाटर इन ईच वीकर, प्रत्येक वीकर में हमें क्या करना है? पानी को डालना है। इन वीकर ए एड आ टेबल स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट एंड जिंक ग्रेन्यूल्स। अब हमें क्या करना है? वीकर ए में 1 टीस्पून भर के हमें कॉपर सल्फेट डालना है और जिंक ग्रेन्यूल्स को डालना है। इसके बाद वीकर बी में हमें क्या करना है? 1 टेबल स्पून कॉपर सल्फेट डालना है और आयरन नेल्स डालना है उसमें। इसके बाद
वीकर सी में क्या करना है हमें, टेबल स्पून जिंक सल्फेट डालना है और कुछ कॉपर टर्निंग्स डालनी है। अब इसके बाद वीकर डी में क्या डालना है हमें, एक टेबल स्पून जिंक सल्फेट डालनी है और कुछ आयरन नेल्स डालने हैं। वीकर बी में हमें एक टेबल स्पून आयरन सल्फेट डालना है और कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स डालना है। इसके बाद बीकर एफ में हमें क्या करना है, एक टेबल स्पून आयरन सल्फेट डालना है और कॉपर टर्निंग्स डालनी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वीकर को बिना डिस्टर्ब किए कुछ समय के लिए रख देना है। अब हम देखेंगे कि ऑब्जर्व क्या करेंगे हम, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आती हैं हमें। तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आज रिकॉर्डेड, पहला क्या है, वीकर ए, इन वीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। वीकर ए में जो जिंक रहती है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट से क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। सो ब्लू कलर इन ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपीयर्स, तो क्या होता है, जो ब्लू कलर रहता है किसका, कॉपर सल्फेट का, वो डिसअपीयर मतलब चला जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। एंड द पाउडरी रेड मास इज डिस्पोज्ड एट द बॉटम ऑफ बीकर, तो बी और बीकर के जो वो रहता है ना बॉटम, उसमें क्या हो जाता है, रेड कलर का मास डिपॉजिट हो जाता है। इन वीकर बी आयरन रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। वीकर बी में क्या हो जाता है, आयरन रिप्लेस कर लेता है किसको, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को। सो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपीयर्स, तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो भी गायब हो जाता है। एंड सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, और जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा बन जाता है, ग्रीन कलर का बन जाता है। देयर ऑल्सो अकर्स द रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑन नेल्स, और जो नेल्स रहती हैं उस पर भी रेडिश ब्राउन कलर का एक कलर आ जाता है। नो चेंजेस अकर टू वीकर सी बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, अब वीकर सी में कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि जो कॉपर होता है वो जिंक से कम रिएक्टिव होता है। नो चेंज अकर्स इन वीकर डी बिकॉज आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, और आयरन वीकर डी में भी कुछ चेंज नहीं आता है क्योंकि आयरन जो होता है वो जिंक से कम रिएक्टिव होता है। अब इन वीकर ई द ब्राउन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट टर्न्स येलो एंड डार्क सॉइलेड इज कलेक्टेड एट द बॉटम, ठीक है, क्या होता है, बीकर ई में जो ब्राउन सॉल्यूशन था कार्बन सल्फेट का वो येलो में बदल जाता है और डार्क सॉइलेड हमें मिल जाता है उसके बॉटम में, बीकर के बॉटम में। बिकॉज जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो जिंक है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है, डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और उसने उसको क्या कर दिया, आयरन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया। सिक्स नो चेंजेस अकर इन वीकर एफ, वीकर एफ में कोई भी चेंज नहीं हुआ बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आयरन से कम रिएक्टिव होती है कॉपर, इसलिए नहीं हुआ। कंक्लूजन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ गिवन मेटल इज, अब हम देखेंगे कि रिएक्टिविटी कैसी होती है, तो सबसे ज़्यादा जिंक की होती है, उससे कम आयरन की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, कॉपर की होती है। अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है, नॉन मेटल्स के साथ कैसे होता है, तो लाइक मेटल्स नॉन मेटल्स ऑल्सो डिफर इन देयर रिएक्टिविटीज, ये सभी को पता है कि मेटल्स के साथ साथ जो नॉन मेटल्स रहती हैं उनकी रिएक्टिविटी भी अलग अलग होती हैं। इट इज़ बेटर ऑब्जर्व अमंग एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और ये कब अच्छे से कहाँ देखा जा सकता है, ऐसे एलिमेंट्स के साथ जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं। विच आर सेट टू फॉर्म अ फैमिली, जो कि एक क्या बनाती हैं, फैमिली बनाती हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन कॉन्स्टिट्यूट हैलोजन फैमिली, ठीक है, ये किसके मेंबर्स हैं, हैलोजन फैमिली के हैं। तो अमंग द कॉमन हैलोजन्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एंड आयोडीन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, क्लोरीन, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, आयोडीन। देयरफॉर क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड, इसीलिए जो क्लोरीन रहती है वो डिस्प्लेस कर देती है ब्रोमीन और आयोडीन को, कहाँ से, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन में से। यहाँ देखेंगे हम इसके रिएक्शंस कैसी हैं, जब भी हम क्लोरीन को सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है और ब्रोमीन हमें अलग से मिल जाती है। इसी तरीके से जब भी हम क्लोरीन को सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड मिल जाता है और आयोडीन जो रहती है वो हमें अलग से मिल जाती है। इसके बाद हमें नोबल मेटल्स के बारे में पढ़ना है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा, और इस वीडियो में जो भी समझ में ना आया वो हमसे पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू।